हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि हम एक मिसलेनियस टॉपिक के बारे में डील करेंगे। वो मिसलेनियस टॉपिक कई बार काफ़ी ईजी कर देता है हमारे सर्किट को, ठीक है। कई बार हमारी एनालिसिस जो सर्किट में होती है काफ़ी ईजी और काफ़ी रिड्यूस हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिप एंड ट्रिक्स ओनली। या फिर हम यूँ कहें कि इस मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारी जो एनालिसिस होती है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। तो अब इसीलिए बारी बारी से हम इन मिसलेनियस टॉपिक में से जो जो पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है उन पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है। नंबर वन पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर कहीं भी आपको सर्किट में कुछ ऐसा दिखता है, एक वोल्टेज, ठीक है, और इसके पैरेलल में दूसरा वोल्टेज, और ये V1 है और ये V2 है, अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे होंगे तो इनका मतलब ये होगा कि इस केस में V1 इज इक्वल टू V2 ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे होते हैं इसका मतलब एक ही चीज होता है कि दोनों वोल्टेज को आपस में बराबर होना पड़ेगा। दो वोल्टेज पैरेलल का मतलब कि पैरेलल ब्रांच में पोटेंशियल ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। पैरेलल ब्रांच मतलब ये ब्रांच के साथ में पैरेलल है, अब ये पैरेलल में, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता ना, यहां पे मैं एक एलिमेंट लगा देता ऐसे, तो मैं नहीं बोल सकता। अब इस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो V1 है ये V2 के साथ में पैरेलल आ रहा है, नहीं। पैरेलल कब होगा, जब यहां पे कोई एलिमेंट नहीं, ये ब्रांच पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा होगा, ये पैरेलल वाली कंडीशन है। बीच में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे भी कोई एलिमेंट लग जाए तो भी मैं नहीं बोल सकता कि ये जो V1 होगा ये इसके साथ पैरेलल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यही डिफरेंस है, कई बार हम लोग पैरेलल को नहीं पहचान पाते। अभी आप बस इतना मान के चलिए पैरेलल का मतलब बस ये होता है, ये वाला होगा पैरेलल में, क्योंकि इस ब्रांच का, इस पूरे ब्रांच का बताइए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इस पूरे ब्रांच का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट। इस ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताइए, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इस ब्रांच का फिनिशिंग पॉइंट। जब दोनों ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड है और दोनों का फिनिशिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, तभी ये पैरेलल में होंगे। अदरवाइज बीच में कोई भी एलिमेंट आ जाएगा तो ये पैरेलल में नहीं कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, पैरेलल ब्रांच का जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ऐसे करके अगर कहीं आपको दिख जाए, ये आपका हो जाए V1 और ये आपका हो जाए V2, ठीक है, तो इसको आप इक्विवेलेंट एक ही वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके से, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी V1 प्लस V2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज पहचाना है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो आइदर वो दोनों वोल्टेज एडिशन में होंगे या तो सब्सट्रैक्शन में होंगे। एडिशन में कब होंगे, जब देखिए अल्टरनेट आता है, जैसे प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तब ये दोनों ऐड हो जाएंगे V1 प्लस V2। और पोलैरिटी देखिए, ये भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहां भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसीलिए जो रिजल्टेंट बनेगा ऊपर प्लस नीचे माइनस। और ऐड कब होंगे, जब अल्टरनेट आता होगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, टॉर्च का एग्जांपल ले लीजिए। जब टॉर्च में आप बैटरी डालते हो तो टॉर्च में जब आप बैटरी डालते हो और मान लीजिए कि वो बैटरी में 3 सेल डालने हैं, तो आप देखोगे कि एक के पॉजिटिव के ऊपर आप दूसरे का निगेटिव लगाते हो, ठीक है। तो क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि इसलिए ताकि वो तीनों जो बैटरी डाल रहे हो, तीनों बैटरी का जो वोल्टेज आपस में ऐड हो जाए और वो टॉर्च को जला दे। अगर एक भी बैटरी जो होगा आप सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करके डाल दोगे तो टॉर्च नहीं जलेगा आपका। टॉर्च को जलाने के लिए हमको एक चीज, अगर मैंने एक बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल अंदर की तरफ किया है तो उसके निगेटिव वाले पे मैं बैटरी के दूसरे बैटरी का पॉजिटिव उधर कनेक्ट करूंगा। तो याद रखिएगा, जब भी अल्टरनेट सिंबल होता है तो वोल्टेज एडिशन होता है। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए ऐसा होता आपका सर्किट, ये V1 हो गया ये V2 हो गया। अब देखिए क्या अल्टरनेट आ रहा है, क्या प्लस माइनस, अब यहां पे प्लस आना चाहिए लेकिन ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब दो पोलैरिटी सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, अब इसका इक्विवेलेंट दो तरह से बन सकता है, पहला ऐसा बनेगा और रिजल्टेंट होगा V1 माइनस V2। ऐसा कब बनेगा, जब V1 आपका बड़ा होगा, क्योंकि अब ये दोनों है तो इसका मतलब कि अब क्लियर सी बात है कि अल्टरनेट सिंबल पे तो आ नहीं रहा, तो ऐड तो होगा नहीं, V1 प्लस V2 यानी सब्सट्रैक्ट होगा। तो सब्सट्रैक्ट होने के लिए या तो V1 बड़ा हो सकता है या तो V2 बड़ा हो सकता है। मान लीजिए अगर V1 बड़ा है तो ओवरऑल V1 की ही पोलैरिटी आएगी। V1 का पोलैरिटी कैसा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। और ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए V2 बड़ा है तो नेट पोलैरिटी कैसी हो जाएगी,
ऐसी हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी वी टू माइनस वी वन। तो इस तरीके से हो सकता है आपका, जब वोल्टेज सोर्स आपका पैरेलल या फिर सीरीज में होगा तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब करंट सोर्स के बारे में समझते हैं। अब करंट सोर्स का मतलब मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, यहां पे करंट दिया हुआ है और इसी के पैरेलल एक और ब्रांच लिखा हुआ है, यहां पे करंट दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज योर आई वन, दिस इज योर आई टू। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक कॉमन ब्रांच से। उस ब्रांच में अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है करंट का, तो आप इसको आई वन प्लस आई टू लिख सकते हो। ठीक है, कभी आपको ये नहीं करना है, ये मान लीजिए आई वन है और ये इधर आई टू है, सॉरी इसको इधर ही रख लेते हैं, ये आई वन हो गया, ये आई टू हो गया। तो आप इसको ये मत करिएगा कि इसको ऐसा बना दिया, यहां पे सर कर दिए और यहां पे लिख दिया आई वन प्लस आई टू, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो। एक ब्रांच में एक टाइम पे बस एक ही करंट फ्लो हो सकता है। इसका मतलब कहीं आपको ऐसा दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइए कि जो आई वन और आई टू है वो इक्वल होगा। आई वन एंड आई टू मस्ट बी इक्वल। जैसे पैरेलल ब्रांच में ऑलवेज जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, उसी तरह जैसे पैरेलल ब्रांच में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब देखिए ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है तो जो ये पोलैरिटी होगा, जो ये पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल ये भी होगा, तो इसलिए V1 इज इक्वल टू V2। सिमिलरली अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में एक ब्रांच में एक टाइम पे एक ही करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए ये I1 जो होगा इस I2 के इक्वल होगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो इसका मतलब वो सर्किट वैलिड नहीं है। अगर कहीं दिख जाए कि पैरेलल ब्रांच में V1 इज नॉट इक्वल टू V2 दिया हुआ है तो सर्किट वैलिड नहीं है। आपको ये चीज दिमाग में समझना है। ठीक है, तो ये करंट सोर्स के साथ में कुछ चीजें हो गई जो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भी, और वोल्टेज सोर्स के साथ में आपको चीजें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट को कैसे हम पता करते हैं कोई एलिमेंट सीरीज में है कोई एलिमेंट पैरेलल में है, कैसे पता करते हैं कि दो एलिमेंट्स हमारे सीरीज में है कि पैरेलल में है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि सर्किट सॉल्व करते वक्त हमें परेशान ना होना पड़े कि ये सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम थोड़ा सा उनका ध्यान रखेंगे कि सीरीज पैरेलल कैसे पहचानते हैं। तो अभी देखते हैं सीरीज और पैरेलल। देखिए सीरीज पहचानने का मतलब दो एलिमेंट को अगर मैं बताऊं, दो बेसिकली अगर मैं एलिमेंट की बात करूं और दो एलिमेंट को अगर मैं सीरीज में बोल रहा हूं, तो दो एलिमेंट को सीरीज में बोलने का मतलब तब होता है जब उन दोनों एलिमेंट में सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, तभी उन दो एलिमेंट को आपस में सीरीज में बोला जाता है। अगर दो एलिमेंट में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है तब वो सीरीज में नहीं कहलाएंगे। और कनेक्शन देखिए तीन तरह का होता है। आइदर कोई जो दो एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं दो एलिमेंट की बात करूं तो वो जो दो एलिमेंट होंगे या तो आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे, अगर मैंने दो एलिमेंट लिया तो आइदर उनका कनेक्शन सीरीज में होगा या तो उनका कनेक्शन पैरेलल में होगा, या तो ऐसा होगा कि वो दोनों एलिमेंट ना तो सीरीज में होंगे ना पैरेलल होंगे, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि जब भी दो एलिमेंट होंगे तो उन दो एलिमेंट के साथ में ये तीन कनेक्शन पॉसिबल है। अब हमें समझना है कि ये तीन कनेक्शन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक, ये भी है। अब मुझे पता है कि अगर मैं देखूं तो ये जो करंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा बताइए, या अगर ये करंट की वैल्यू अगर मैं बोलूं I की वैल्यू बोलूं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वोल्टेज है V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, करंट निकला। अब जो करंट इसमें फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूं, एक एक ही रेजिस्टेंस इनको रिप्लेस कर सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहां पे आपको पता चल गया ये R1 प्लस R2 हो गई, ये सीरीज में हो गए R1 प्लस R2, और आपको पता है कि ये आपको वोल्टेज है। अब इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट आपको निकालना होगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस कितना है। अब देखिए ये वाला टर्मिनल क्या है,
जीरो पे है, तो अब मैंने क्या बताया था कि सिमिलरली वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वी पे हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव वाला पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है ग्राउंड से, रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल कहाँ पे है, जीरो पे, और ये वाला वी कहाँ पे स्लाइड करके चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा वी पे। अब देखिए रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल का पोटेंशियल वी है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है जीरो, तो इसका मतलब वी माइनस जीरो अपॉन में आर वन प्लस आर टू अगर आप कर दोगे तो करंट निकल आएगा, वो करंट कहाँ से निकलेगा, इस वोल्टेज सोर्स से फ्लो होने वाला करंट, और वही करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि दो एलिमेंट अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका, देखते हैं अब इन्हीं दोनों एलिमेंट के बारे में मैं बात करता हूं और देखता हूं क्या ये दोनों एलिमेंट पैरेलल में है या नहीं। अब देखिए पैरेलल जैसे कि अगर सीरीज में पहचानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तभी वो दोनों एलिमेंट सीरीज में कहलाएंगे। अब पैरेलल की बात करते हैं, तो यहां मैं एक वोल्टेज सोर्स मान ले रहा हूं वी, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू। अब मेरे को पहचानना है क्या आर वन और आर टू आपस में पैरेलल में है, तो मैं ध्यान से देखूंगा R1 R2 अगर मैं देखूंगा तो ये R1 का क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और इसको मैं बोल सकता हूं फिनिशिंग पॉइंट, R2 का हो गया, ये R1 का हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट यहां पे चला आएगा, इसका फिनिशिंग पॉइंट यहां पे आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों का फिनिशिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो जब भी ऐसा होगा कि दो रेजिस्टेंस है या फिर दो एलिमेंट है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है दोनों, फिनिशिंग पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये दोनों जो एलिमेंट होंगे वो पैरेलल में होंगे। और पैरेलल में अगर हैं, अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैंने क्या बताया कि जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो यानी कि जो वोल्टेज ये है, ये ब्रांच पैरेलल में है क्योंकि इस ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, अब इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, फिनिशिंग पॉइंट भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में क्या है पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में हो गया तो इसके अक्रॉस, अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा वी, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या हो गया ग्राउंड हो गया, अगर ये ग्राउंड हो गया तो इस टर्मिनल का जो वोल्टेज आएगा यहां, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा वी, क्योंकि इस वोल्टेज का नेगेटिव वाला टर्मिनल ग्राउंड है, तो ये वाला वी, ये भी वी और ये भी वी। अब बताइए इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा v माइनस जीरो अपॉन में r, तो इसको मैं लिख सकता हूं v अपॉन में r1, इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा v अपॉन में r2 हो जाएगा, और यही करंट ये वाला होगा v अपॉन में r2। अब मेरे को ये वाला करंट निकालना है, ठीक है, अब मेरे से कोई बोल दे कि ये वाला करंट क्या होगा, तो मुझे पता है कि यहां से जो करंट आ रहा है वो यहां पे जा रहा है और यहां पे जा रहा है, केसीएल लगा दूंगा, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग और आउटगोइंग दो करंट है v अपॉन r1 और v अपॉन r2, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन r1 प्लस v अपॉन R2, ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आपके पैरेलल में होंगे। अब ऐसा कंडीशन क्या है कि दो एलिमेंट ना तो आपके सीरीज में होंगे ना तो पैरेलल में होंगे, उनका भी एग्जांपल है, अब अगर ऐसा कोई ग्राफ बन जाए, चलिए मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, इसमें तीन एलिमेंट बता दे रहा हूँ और तीनों एलिमेंट के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे कौन एलिमेंट क्या है। इसका नाम R1 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया, ये V1 हो गया। अब मैं देखता हूँ ये तीन एलिमेंट है, अब मेरे को पता करना है इनमें से कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में, फिर क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं अगर मैं सीरीज में बात करूँ तो पहले मैं R1 R2 को देखता हूँ कि R1 R2 आपस में कैसे कनेक्टेड है। सीरीज के लिए क्या है कि जो करंट इसमें फ्लो होना चाहिए वही करंट इसमें भी फ्लो होगा, तभी वो दोनों सीरीज में होंगे, दोनों एलिमेंट में जब तक सेम करंट फ्लो नहीं होगा दोनों सीरीज में नहीं कहलाएंगे। अब मान लीजिए कोई करंट यहाँ पे आएगा आई, तो उस करंट को बटने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये और एक तो ये, फिर यहां से दोनों ऐड होकर के फिर यहां से आई चला जाएगा। मान लीजिए कि इसमें करंट कितना चला गया आई डैश, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा बताइए आई माइनस आई डैश, और मान लीजिए ये करंट निकली है आई क्योंकि यही करंट तो फ्लो हो रही है आई, और एक वोल्टेज सोर्स मैंने बताया था पॉजिटिव एंड से जितनी करंट निकलती है निगेटिव एंड में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए, ये फिक्स रूल है। तो बताइए इस पूरे ब्रांच में यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है आई माइनस आई डैश, यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है आई डैश, तो ऐड होगी तो यहाँ पे करंट कितनी चली जाएगी आई, देखिए आई निकली थी और आई आ गई वापस। अब ध्यान सुनिए यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है इस वाले में और इस वाले में आई डैश फ्लो हो रहा है, क्या दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब आर1 और आर2 आपस में
सीरीज में तो नहीं है, इतना पता चल गया, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखते, क्या अगर सीरीज में नहीं तो क्या पैरेलल में है? चलिए पैरेलल में चेक करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस का हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हो गया फिनिशिंग पॉइंट। अब सिमिलरली ये भी रेजिस्टेंस है, तो इसका भी अपना ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया अपना फिनिशिंग पॉइंट। अब अगर ये फिनिशिंग पॉइंट है तो ये फिनिशिंग पॉइंट यहां तक आ सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये ऊपर और जा सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक कोई बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों का तो स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड ही हमें दिख रहा है, लेकिन इसका फिनिशिंग पॉइंट यहां पे है और इसका फिनिशिंग पॉइंट यहां पे है। ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट और ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट। अब इन दोनों के फिनिशिंग पॉइंट के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों का फिनिशिंग पॉइंट अब सेम नहीं है। दो पॉइंट तभी सेम होता है जब उनके बीच में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता है। अब यहां पे ये फिनिशिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट, इसको मैं F1 बोल लेता हूं, इसको मैं F2 बोल लेता हूं, ज्यादा सही होगा, इसका फिनिशिंग पॉइंट है R2 का, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो फिनिशिंग पॉइंट है F2 जो है वो F1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर F1 के इक्वल होता तो मैं बोल सकता था कि फिर ये दोनों सीधे पैरेलल में आ जाते, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर होना चाहिए और फिनिशिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर होना चाहिए। देखिए यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का, देखिए ये S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया, S2 यहां चला गया, S1 भी यहां पे आ सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई, बिल्कुल आराम से हो सकते हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, लेकिन क्या इनका फिनिशिंग पॉइंट और इसका फिनिशिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट से नहीं कनेक्टेड है? क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि R1 और R2 जो है आपस में पैरेलली नहीं कनेक्ट है। तो R1 और R2 जो है आपस में ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से क्लियर कर दीजिए, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कोई भी कनेक्शन में नहीं है। चलिए अब R2 और R1 और R2 की बात कर लेते हैं, R1 R2। अब ऑब्वियसली बात है कि यहां पे करंट अगर I फ्लो हो रहा था, यहां पे I' था, तो यहां पे I-I' था, इसका मतलब इन दोनों में सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये दोनों सीरीज में तो नहीं है, तो R1 और R3 सीरीज में नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? अगर R1 और R3 आपस में सीरीज में नहीं है तो फिर पैरेलल में हो सकते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट। अब ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम पॉइंट से कनेक्टेड ये दिख रहा है, लेकिन इसका फिनिशिंग पॉइंट देखिए कहां से कहां तक आ सकता है। ये फिनिशिंग पॉइंट इसका ये आता चला जाएगा, कब तक? जब तक इसको कोई एलिमेंट ना दिखे। फिनिशिंग पॉइंट, इसका फिनिशिंग पॉइंट ये, इसको F3 नाम दे देते हैं, ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। अब बताइए F3 और F1 के बीच में अगेन एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ना तो ये दोनों, अब ये F1 और F3 इक्वल नहीं है आपस में, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ना तो R1 और R3 ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। तो इसलिए R1 R3 आपस में ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में, ठीक है। ठीक है, अब R2 और R3 का दिखते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका फिनिशिंग पॉइंट हो गया, इसको S1 बोलते हैं, इसको F1 बोल रहे हैं। ये हो गया आपका S3 और ये हो गया आपका F3। अब देखिए S1 यहां पे आ जाएगा और S3 भी यहां पे आ सकता है, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, S3 यहां से आ गया, यानी कि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। फिनिशिंग पॉइंट देख लेते हैं, ये F1 हो गया यहां पे, अब यहां पे F3 आएगा, ट्रैवल करके यहां तक F3 आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, F3 यहां तक भी आ सकता है, तो यहां पे भी आ गया F3। अब देखिए F1 और F3 इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि R2 और R3 जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और फिनिशिंग पॉइंट भी आपस में कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए R2 और R3 जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं कैसे पता किया कि इन दोनों का फिनिशिंग पॉइंट सेम हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए सेम हो गया, फिनिशिंग पॉइंट भी सेम हो गया, इसीलिए ये दोनों पैरेलल में। अब इस सर्किट को अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो अब याद रखिएगा जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखते हैं 1/R eq = 1/R1 + 1/R2। अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो तीन रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके से, और अगर एन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बट अब अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो हम एक ट्रिक लगाते हैं हमेशा, दो रेजिस्टेंस के लिए ट्रिक होता है। अगर दो रेजिस्टेंस, ठीक है, टू रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, R1 एंड R2, तो R इक्विवेलेंट इस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो R equivalent = दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए ऊपर R1 R2 और अपॉन में दोनों का सम लिख लीजिए R1 + R2। ये फंडामेंटल रूल होता है, इसी से आता है, सॉल्व करेंगे तो इसी से आएगा।
आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, और अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएंगे तो आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू इफ आर वन इक्वल्स टू आर टू एंड पैरेलल। अगर आर वन आर टू पैरेलल कनेक्टेड हैं और आर वन आर टू के इक्वल है तो दोनों का आर इक्वेलेंट जो होगा आर बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली अगर तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है और तीनों इक्वल वैल्यू के हैं, ठीक है, ऑफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू, ऑफ इक्वल वैल्यू इन पैरेलल, ठीक है, अगर पैरेलल में है तो इस केस में आर इक्वेलेंट जो होगा वो आर बाई थ्री हो जाएगा। जितने रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे, ठीक है, अगर वो इक्वल वैल्यू के हैं तो आर इक्वेलेंट हो जाएगा आर बाई थ्री। अब एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में और सब इक्वल वैल्यू के हैं तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा आर बाई एन। तो ये आपको पैरेलली पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे मतलब निकालते हैं। अब अगर मेरे को निकालना हो तो मुझे पता चल गया है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, और फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट मैं बोल सकता हूँ या फिर मैं ये वाला भी पॉइंट बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन से एक रेजिस्टेंस बना लूंगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, अब इन दोनों को मिटा दूंगा क्योंकि अब इन दोनों को मर्ज करके मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस में लिख सकता हूं, तो अब इन दोनों को हटा दूंगा मैं। जहां पे इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे इनका फिनिशिंग पॉइंट है, वहां से अब इनको हटा दूंगा, वहां पे एक मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, अब बाकी मैं इन लोगों को हटा दूंगा, ठीक है, मैंने इसे कर लिया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, आर टू आर थ्री अपॉन में आर टू प्लस आर थ्री। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क लाइन से बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी दोनों को हटा दिया तो अब ये रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से कोई करंट आई निकलेगा तो वो करंट आर वन में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का, और फ्लो होकर के वापस चलाएगा। तो अब मेरे को समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैं सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूं। ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं इसी सर्किट को अब ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, इसी को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पर मैं क्या लिख दूं, आर टू आर थ्री अपॉन में आर वन आर टू प्लस आर थ्री। अब मुझे पता है कि मुझे अब अगर टोटल करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई मस्ट बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन में, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है क्या, आर वन एंड आर टू बाई ये और ये आपस में सीरीज में है, इसको मैं आर डैश बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं आर वन और आर डैश आपस में सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। तो मैं अभी इन दोनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं आर वन प्लस आर डैश वी। अब इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, अभी एक सिंगल रेजिस्टेंस इसको मर्ज कर दिए, अब सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज है, ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। रेजिस्टेंस के इस ओर का पोटेंशियल कितना है, जीरो, इस ओर का पोटेंशियल वी है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना निकल आएगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट निकलेगा सर वी अपॉन में आर वन प्लस आर डैश। अब जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट यहां से निकलेगा, तो इससे इस वोल्टेज सोर्स से निकलने वाला जो करंट आई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन में आर वन प्लस आर डैश। तो कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, तो ये तरीका था, इसीलिए कई बार हमको सीरीज और पैरेलल पहचानने आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये सीरीज और पैरेलल वाला कंडीशन बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट सीरीज में है तो कैसे पहचानते कि वो सीरीज में है, कोई पैरेलल में है तो कैसे पहचानते हैं पैरेलल में है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कई बार पूछा जाता है भाई करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन, तो ये हमें पता होना चाहिए करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है और करंट कैसे डिवाइड होता है। और इस बस यही टॉपिक है जो हमें समझना है, उसके बाद थोड़ा सा हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं करंट डिवीजन की तरफ। करंट डिवीजन,